आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मलिंदा एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने पीएम मोदी बोले, अपने सीएम को शुक्रिया कहने में जिंदा लौटा पाया। बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी जारी, निफ्टी ने 17,900 के पार क्लोज, सेंसेक्स भी चढ़ा। आईटी शेयर्स में रहे पिक वाली। जेपी नड्डा ने पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब सरकार को घेरा। जम्मू पुंछ हाईवे पर रजौरी के पास पलटी बस, हादसे में बीएसएफ के 5 जवान घायल। योगी के मंत्री नंदगोपाल नंदी बोले, व्यापारी हथियारों का लाइसेंस ले, गुंडे और माफिया दूर भाग जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पेशवेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। यूपी के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने लखनऊ पुलिस को भगोड़ा घोषित कर रखा है, लेकिन वो जौनपुर में खुलेआम लाव लश्कर के साथ घूमता मिला। धनंजय सिंह वहां के लोगों के साथ क्रिकेट खेलता भी दिखाई दिया, जिसका वीडियो सपा सुप्रीमो ने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि 25,000 के नामी माफिया धनंजय सिंह सत्ता के संरक्षण में मजा ले रहे हैं और डबल इंजन सरकार के बुलडोजर को इनका पता मालूम नहीं है। लेकिन अब इस मामले में डीजीपी मुकुल गोयल ने बयान जारी करते हुए कहा कि मामले की जांच करके कार्रवाई की जाएगी। चलिए आपको सुनाते हैं डीजीपी ने अखिलेश के ट्वीट पर क्या कुछ कहा। खबर लखनऊ से है, जहां माफिया धनंजय सिंह से बातचीत की गई, जहां डीजीपी ने जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि कई लोग मजा ले रहे थे, 25,000 के नामी माफिया धनंजय सिंह सत्ता के संरक्षण में मजा ले रहे थे और डबल इंजन सरकार के बुलडोजर को इनका पता मालूम नहीं है। लेकिन अब इस मामले पे डीजीपी मुकुल गोयल ने बयान जारी करते हुए कहा कि मामले की जांच करके कार्रवाई की जाएगी। और भी काफी कुछ डीजीपी ने सरकार पर काफी कुछ बातें कही गई हैं। मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें सारी की गई, जहां पर प्रेस वालों को ये संबोधित किया गया, जिसका वीडियो सपा सुप्रीमो ने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया है। साथ ही ये भी कहा कि धनंजय सिंह वहां के लोगों के साथ क्रिकेट भी खेलता दिखाई दिया है, जिसका वीडियो सपा सुप्रीमो ने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि 25,000 के नामी माफिया धनंजय सिंह सत्ता के संरक्षण में मजा ले रहे हैं और डबल इंजन सरकार के बुलडोजर को इनका पता मालूम तक नहीं है। लेकिन अब इस मामले में डीजीपी मुकुल गोयल ने बयान जारी करते हुए मामले की जांच की कार्रवाई की जाएगी। खबर फतेहपुर से है, जहां आया शाह विधानसभा असोथर क्षेत्र में कांग्रेस जिलाध्यक्ष से कांग्रेस की प्रबल उम्मीदवार अध्यक्ष हेमलता पटेल ने सघन जनसंपर्क जागरूक अभियान की शुरुआत की। इस जनसंपर्क के दौरान मनरेगा मजदूरों को हेमलता पटेल ने कांग्रेस की नीतियों और कांग्रेस की प्रतिज्ञाओं के प्रति जागरूक किया। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीब मजदूरों की पार्टी है और हर दुख सुख में साथ खड़ी होने वाली पार्टी है। इस दौरान जिलाध्यक्ष लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के स्लोगन के साथ महिला मजदूरों में भी उत्साह भरा और कांग्रेस के समर्थन में लोगों ने नारे लगाए और साथ आने की बात कही। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां बेहजम ब्लॉक के करीब 81 ग्राम पंचायतों में आवारा पशु और किसानों की फसल को चौपटा करने के लिए लगे हुए हैं, जबकि आवारा जानवर सड़क पर जा रहे हैं और लोगों को भी अपना शिकार बना रहे हैं। जबकि योगी सरकार ने निर्देश दिया था कि खुलेआम घूम रहे गोवंशों को गो आश्रय केंद्रों में भेजा जाए, लेकिन फिर भी जिले में प्रदेश सरकार के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। खबर उन्नाव से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस लाइन में बने हॉस्टल का उद्घाटन किया। महिला पुलिसकर्मियों का रहने की व्यवस्था को लेकर पुलिस लाइन में पिछले एक साल से बन रहे
निर्माणाधीन हॉस्टल बनाकर तैयार हो गया था और इसके साथ ही उन्होंने महिला पुलिस कर्मियों की सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। शासन की ओर से पुलिस लाइन उन्नाव में गर्ल्स हॉस्टल बनाने का बजट पास हुआ, जहां पिछले साल से पुलिस लाइन परिसर में क्राइम ब्रांच के सामने 24 कमरों का गर्ल्स हॉस्टल बनकर पिछले माह तैयार हो गया था। आज सुबह 10 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया और इस दौरान सांसद साक्षी महाराज, पुलिस अधीक्षक दिनेश त्रिपाठी सहित कई लोग भी मौजूद रहे। जनपद उन्नाव की पुलिस लाइन में आज 24 कमरे का महिला हॉस्टल का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। इसमें 24 रूम है, सिंगल रूम है। इसमें जो महिला आरक्षी हमारी हैं उनके लिए रहने के लिए इसको किया गया है। अच्छा, कब से रहना शुरू करेंगे महिला आरक्षी? ये आज से अलर्ट हो जाएगा। खबर देवरिया से है, जहां भाजपा कार्यालय की ओर से चौरी में आईटी विभाग ने बैठक की, जहां जबकि इस बैठक में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश संयोजक आईटी विभाग अविनाश जोशी ने शिरकत की। इस बैठक में अविनाश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जनता को भाजपा का भरपूर समर्थन मिल रहा है और इस बार भी पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी, जबकि बीजेपी ने पार्टी जनता से जो भी वादे किए थे उस पर खरा उतरने का काम किया है। पार्टी ने अपना जो वादे किए थे उन वादों पर पार्टी खरा उतरी है। जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात को लेकर उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से पहले जाना जाता था 2017 से पहले, और आज जो उत्तर प्रदेश के बारे में पूरे देश में जो ख्याति है उसको देखते हुए भरोसा है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के काम पर सक्रियता से मोहर लगाएगी और हम सब लोगों को पुनः एक बार उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को शासन करने का मौका देगी। कितने सीटें जीतने का अनुमान है इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में? पूर्ण बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। महंगाई के लिए जनता कुछ निराश दिख रही है यहाँ पे, महंगाई को लेकर। जी, खबर बदायूं से है, जहां पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में प्रशिक्षण पूरा करने वाले 116 रिक्रूट आरक्षियों के लिए 19वें दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी दीपा रंजन ने परेड को सलामी देते हुए रिक्रूट आरक्षियों को संबोधित किया और रिक्रूट आरक्षियों को प्रशिक्षण देने वाले आईटीआई पीटीआई को पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक समेत कई अधिकारी इस समारोह में सम्मिलित हुए। आज ये पिछले 6 महीने से यहाँ पे आरडीसी जो प्रशिक्षण केंद्र है, विद्यालय है हमारा पुलिस लाइन्स में जो चलता है, उसमें 116 आरक्षियों ने आज प्रशिक्षण प्राप्त किया है और ये जनपद बदायूं के पुलिस विभाग का भाग बनने जा रहे हैं, खुशी का विषय है। इन्होंने इंडोर की परीक्षा, आउटडोर की परीक्षा और पुलिस विभाग के जो आर्म्स हैं उनके सारे विषयों में दक्षता हासिल की है और खुशी का विषय है कि सभी परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और इस जनपद की पुलिस का अंग बनने जा रहे हैं। इसके लिए आज ये दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। देवरिया से है, जहां पुलिस लाइन में महिला रिक्रूट आरक्षी और प्रशिक्षण पूरा करने के बाद दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस दीक्षांत समारोह में परेड कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सलामी देते हुए महिला आरक्षियों को सुनहरा भविष्य की कामना की, जबकि पुलिस अधीक्षक ने ड्यूटी के दौरान सभी कर्मचारियों को अपना कर्तव्य का निर्वहन करने का निर्देश दिया। खबर फरुखाबाद से है, जहां फतेहगढ़ पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में रिक्रूट आरक्षियों के लिए दीक्षांत समारोह परेड का आयोजन किया गया। इस परेड का निरीक्षण एसपी अशोक कुमार वीणा ने किया और इस दौरान एसपी ने 199 आरक्षी जो कि पुलिस विभाग में शामिल हुए हैं, जिनको सेवा की शपथ दिलाई गई और प्रशिक्षण के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले आरक्षी को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। आप सभी को सबसे पहले नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे इन 199 रिक्रूट आरक्षियों ने एक शानदार परेड का नज़ारा हमारे सामने प्रस्तुत किया। इसलिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। आप सभी लोगों को एक बार पुनः बधाई कि पिछले 6 महीने में आप सभी लोगों ने
अथक परिश्रम करते हुए अपने अंत और बाह्य विषयों के अंदर सफलता प्राप्त की है। और अब आप लोग जो आपका अंतिम पग है, खबर फतेहपुर से है, जहां विकास खंड खजुआ मुख्यालय में बने सरला देवी बालिका विद्यालय स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची, जहां टीम ने रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्र छात्राओं को कोरोना की वैक्सीन लगाई। इस दौरान वैक्सीनेशन करवाने पहुंचे छात्र छात्राओं में खुशी देखने को मिली, जबकि एक छात्रा ने लोगों को जागरूक करते हुए सभी से वैक्सीन लगाने की अपील की है। इसे हमें लोग बुला रहे हैं। भारत सरकार की कोविड के अगेंस्ट में जो लड़ाई चल रही है, उसी के लिए लाया गया है बच्चों के लिए टीका। इसमें क्या है कि बच्चों को ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई और विद्यालय में ही जाके उनका वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और इसमें यह है कि जो बच्चे मान लीजिए हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकते थे, उनके तक खुद ही मेडिकल टीमों को पहुँचाया जा रहा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का वैक्सीनेशन हो जाए। खबर मैनपुरी से है, जहां पुलिस लाइन मैदान में 159 पुलिस अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग पूरी कर ली गई और अभ्यर्थियों ने परेड में पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी को सलामी दी, जिसके बाद आगरा के आईजी ने अभ्यर्थियों को शपथ दिलाते हुए अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाने का निर्देश दिया। इस कार्यक्रम का संचालन SHO एलाउ सुनील भारद्वाज ने किया, जबकि सम्मेलन में अपर पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। यहाँ मैनपुरी आया हूँ दीक्षांत परेड समारोह के अवसर पर, और आज जो कवायद का स्तर था बहुत ही अच्छा था, इसके लिए मैं पुलिस अधीक्षक मैनपुरी साहब को बहुत बधाई देता हूँ, सभी रिक्रूट्स को बधाई देता हूँ और जिन्होंने प्रशिक्षण भी दिए उनको भी मैं बधाई देता हूँ। आने वाले समय में पुलिस का दायित्व और बढ़ेगा और मेरा पूरा भरोसा है कि आज जिन्होंने पास आउट किया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से नौकरी करेंगे। खबर मऊ से है, जहां ब्लॉक पनियारा ग्राम पंचायत के पंचायत भवन का निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है। इसी कड़ी में पंचायत भवन में सारी सुविधाओं के मद्देनजर समरसेबल का बोरिंग एक महीने के पहले कराई गई थी, जिस पर चोरों ने अपना हाथ साफ कर लिया। इस मामले की जानकारी जैसे ही ग्राम प्रधान उदय चंद यादव को हुई, ग्राम प्रधान ने मामले की सूचना 100 पुलिस को दी और तुरंत ही पुलिस ने घटनास्थल की जाँच करते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पनियारा, क्या मामला? समरसेबल लगा था जो एक पंचायत भवन में, और आज रात को चोरी हो गया। कब का लगा? लगा तो कम से कम 5-6-10-15 दिन हो गया होगा। हाँ, 100 नंबर फोन किए थे, आई थी, अभी जा रहे हैं जो है थाने पे अपना एप्लीकेशन दे रहे हैं। खबर औरैया से है, जहां दुर्वासा ऋषि दर्शन करके वापस लौटे समय अज्ञात वाहन ने युवक की बाइक की टक्कर मार दी, जहां इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम होने के बाद युवक का शव उसके आवास लाया गया, जहाँ परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।